नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार की इतनी बेटियों को मिलेंगी राशि। लालू, मिशा और राबड़ी को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। 1.16 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए दी जाएगी जमीन। बिहार के पास नहीं बचा अतिरिक्त पानी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यह है वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार की इतनी बेटियों को मिलेगी राशि। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करने को लेकर बिहार के 937 बेटियों को सरकार की ओर से राशि मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि इन बेटियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा छात्राओं की सूची तैयार कर ली गई है। मालूम हो कि महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी छात्राओं को मिलाकर कुल 46,85,50,000 रुपए की राशि खर्च होगी। ये सभी राशि निगम के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि यह राशि उन्हें ही दी जाएगी जो बिहार सरकार से किसी तरह की सहायता राशि या सरकारी नौकरी में पहले से न हो। इन्हीं कारणों से कई छात्राओं के आवेदन को रद्द भी कर दिया गया था। इसके अलावा इस राशि को लेने के लिए बिहार का निवासी होना बेहद जरूरी है। अब बिहार की राजधानी में सिग्नल तोड़ना पड़ेगा महंगा। 15 अप्रैल से पटना वासियों को सिग्नल तोड़ना महंगा पड़ सकता है। दरअसल अब शहर के 16 ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट पर 256 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें से अभी तक 84 कैमरे लगाए जा चुके हैं। बता दें कि यह कैमरा 6 से 100 मीटर तक का फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा इस कैमरे के अंदर एक स्पेशल लेंस भी लगाया गया है जो कि वाहनों के नंबर प्लेट को स्कैन कर सकता है। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह सिग्नल के नियम का उल्लंघन करते हैं तो नियम उल्लंघन करने के 3 मिनट के अंदर ही कमांड एंड कंट्रोल रूम को मैसेज चला जाएगा और फिर प्लेट नंबर के आधार पर उसके सही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तत्काल मैसेज आ जाएगा। बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से गाड़ी चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। लालू, मिशा और राबड़ी को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। आज यानी कि बुधवार को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिशा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट से 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है, जिसके बाद सीबीआई के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को की जानी है। मालूम हो कि इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा लालू, राबड़ी समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वहीं आज लालू यादव के परिवार की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई, जहां लालू यादव व्हीलचेयर से कोर्ट में पहुंचे। बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। H3N2 वायरस को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अपील। भारत में H3N2 वायरस काफी तेजी से फैलते नजर आ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ के द्वारा H3N2 वायरस को लेकर लोगों के बीच सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ के द्वारा दिए गए सलाह के तहत लोगों को मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, भीड़भाड़ वाले इलाके से दूरी और साथ ही साथ एक बार फ्लू का टीका लेने का सलाह दिया गया है। बता दें कि 9 मार्च तक पूरे देश में H3N2 वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या कुल 3,038 बताई गई है। मालूम हो कि यह श्वसन वायरस बूंदों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस को आमतौर पर फ्लू के रूप में जाना जाता है। इस बीमारी के लक्षण का पहचान लंबे समय तक बुखार, खांसी, नाक बहना और शरीर में दर्द शामिल है, लेकिन गंभीर मामलों में लोगों को सांस फूलने या घबराहट जैसा भी अनुभव होता है। 1.16 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए दी जाएगी जमीन। राज्य के वास भूमि रहित सर्वेक्षित सभी 1.16 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि इन लोगों को यह जमीन 2023 तक दे दी जाएगी। इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा दी गई है। बता दें कि उन्होंने इस बात की जानकारी बीते दिन बिहार विधानसभा में बजट की मांग पर सरकार की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि राजस्व मानचित्र तथा खतियान को अपडेट करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 7,463 पदों का नव सृजन करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर नियोजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। छपरा पुलिस ने राजद नेता को किया बरामद। बीते मंगलवार को छपरा पुलिस के द्वारा अपहरण हुए राजद नेता सुनील राय को बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने अपहरण किए गए स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस को यह सफलता केवल 15 घंटे में मिली है। इस बात की पुष्टि सारण SP के द्वारा की गई है। मालूम हो कि इस मामले में पुलिस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। हालांकि अब तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किस वजह से राजद नेता को गिरफ्तार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार सुबह
बजे राजद नेता सुनील राय का हथियार बंद अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद अपहरण को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एसआईटी टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजद नेता को बरामद किया। तैयार फसल में आग लगने से बचाव के लिए बिजली विभाग ने सुझाया तरीका। कई बार ऐसा होता है कि तैयार फसलों में बिजली की तारों में खराबी आने से आग लग जाती है, ऐसे में किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसी को देखते हुए ऐसी घटना को रोका जा सके, इसके लिए बिजली विभाग काफी अलर्ट मोड में है। बता दें कि बिजली विभाग के द्वारा लगातार किसानों से ट्रांसफार्मर के नीचे सफाई रखने की अपील की जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को तस्वीर के माध्यम से इससे जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसके तहत किसानों को सलाह दी जा रही है कि ट्रांसफार्मर के नीचे सफाई रखी जाए, और साथ ही इसके अलावा उन्हें यह भी जानकारी दी गई है कि बिजली के तारों के आसपास गेहूं की फसल की कटाई को जमा नहीं किया जाए। बिहार के पास नहीं बचा अतिरिक्त पानी। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में उपलब्ध पानी का ब्यौरा रखने के लिए सरकार के द्वारा जल्द ही जल उपलब्धता का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर बन रही परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी है। संजय कुमार झा ने बताया कि अब राज्य में हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं बचा है, इसलिए बेहतर जल प्रबंधन की रणनीति बनाई जानी जरूरी है। इस दिशा में सरकार के द्वारा गंभीरता से काम की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर बन रही परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए ही जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वहीं अब यह जानकारी मिली है कि राज्य के कई हिस्सों में भू जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसी को देखते हुए इस दिशा में सरकार की ओर से जरूरी प्रभावी कदम उठाया जाएगा। होली पर घर आए लोगों को इस दिन से मिलेगी खुशखबरी। अगर आप भी होली के मौके पर अपने घर आए थे लेकिन अब तक वापस नहीं लौट पाए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए वापस जाने के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि यह सुविधा यात्रियों को 16 मार्च से मिलने वाली है, यानी कि 16 मार्च से गाड़ी संख्या 03225 दानापुर सिकंदराबाद होली स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। वहीं वापसी गाड़ी संख्या 03226 सिकंदराबाद दानापुर होली स्पेशल ट्रेन 19 मार्च से चलेगी, जो कि 26 मार्च तक चलने वाली है। पटना एम्स में मिला एक H3N2 मरीज। बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में भी लोगों के बीच H3N2 वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच ताजा खबर यह है कि अब बिहार की राजधानी पटना में अगम कुआं स्थित RMRI में पटना एम्स अस्पताल में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित एक मरीज मिल गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी एम्स के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे के द्वारा दिया गया है। दरअसल उन्होंने बताया है कि संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें यह पाया गया कि एक मरीज H1N1 इन्फ्लुएंजा ग्रसित है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पटना में एक महिला के H3N2 पॉजिटिव पाया गया। मालूम हो कि केंद्र सरकार के द्वारा H3N2 वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद बिहार में भी इसको लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। भाजपा विरोध पर आरजेडी विधायक का बयान। आज यानी कि बुधवार को बिहार विधानसभा का 11वां दिन है। बता दें कि आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा भाजपा के विरोध करते हुए सदन में शामिल नहीं होने को लेकर यह साफ कर दिया गया है कि हमारी सरकार है और सदन चलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आखिर है क्या, हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है, वह एक झूठी पार्टी है, इसलिए हम लोग झूठी पार्टी की बातें नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि आखिर सदन कैसे चलने नहीं दिया जाएगा, हमारे लोग ज्यादा है और साथ ही हमारी सरकार भी है, अगर बीजेपी वाले नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आए। इसके साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा की कुछ नियमावली है और उसी के तहत ही कार्यवाही चलती है। बीजेपी के लोग तो रोज झूठा आरोप लगाते हैं लेकिन कभी उस आरोप को साबित नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आग लगाना जानते हैं, बुझाना नहीं। तीसरी बार भी सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव नहीं हुए पेश। अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन मंगलवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तीसरी बार भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। बता दें कि सीबीआई के द्वारा इससे पहले भी 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन वे सीबीआई के पास पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। मालूम हो कि इस मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा राज्य सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पत्नी राबड़ी देवी समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ समन जारी किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह है वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम।
17 मार्च से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इसका पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पहले मैच में एक तरफ जहां भारत की कप्तानी हार्दिक पांड्या के द्वारा की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ के द्वारा की जाएगी। बता दें कि वनडे सीरीज का दूसरा मैच 19 मार्च को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा और वनडे सीरीज का तीसरा मैच 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मालूम हो कि ये सभी मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं टॉस आधे घंटे पहले किया जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुकेश कुमार विवेक, विपिन लाल वर्मा, एच के मल्होत्रा, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार राज, नुन्नू गोलू कुमार, सोनू यादव, कुमारी संजना, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रविशंकर, योगेंद्र रजक, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, शैलेंद्र विश्वास। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाने वाली राशि से छात्राओं को कितना फायदा मिल पा रहा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।